हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग याद कैसे रखेंगे विथ आवर हैंड। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, एक हैंड बनाते हैं, ठीक है, एक हैंड बनाते हैं। हैंड के फिंगर के ऊपर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। और उसमें 1, 2 उसमें नंबर दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 फिंगर तो 5 एंगल होता है, जिस यही 5 एंगल पे हम लोग रखना होता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग को सबसे पहले हम लोग अगर देखते हैं साइन 0 का, ठीक है, 0 का। तो साइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस एंगल पे हम लोग को देखना है, सपोज हम लोग को 0 डिग्री पे देखना है, ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना है कि 0 डिग्री पे इस फिंगर के राइट में हम लोग का कितना फिंगर है, और कॉस के लिए हम लोग देखेंगे इस फिंगर के लेफ्ट में कितना फिंगर है, ठीक है। तो हम लोग अगर हम साइन 0 डिग्री के लिए देखते हैं, ठीक है, साइन 0 डिग्री के लिए, तो साइन 0 डिग्री के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये 0 डिग्री पे एरो बना है, तो साइन 0 डिग्री के लिए हम लोग देखेंगे इसके फिंगर है, ठीक है, 4, और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट सिंपली कर देंगे, तो ये मेरा कितना आ जाएगा सिंपल 0, ठीक है। 0 के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कॉस 0 के लिए हम लोग कॉस 0 के लिए क्या देखेंगे, इसके लेफ्ट में देखेंगे, देखते हैं लेफ्ट में कितने फिंगर है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ सिंपल 4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 4 और इसका स्क्वायर रूट, तो मेरा कितना हो गया 1। तो साइन 0 0, कॉस 0 1, ठीक है, लेते हैं सिंपल 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, अगर हम लोग साइन का वैल्यू हमको निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, राइट में कितने फिंगर हैं, साइन के राइट में कितने फिंगर हैं, 1, 2, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/4 का स्क्वायर रूट, तो मेरा कितना होगा 1/2 का स्क्वायर रूट, 1/√2, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगर कॉस का देखते हैं तो कॉस के लेफ्ट में कितने फिंगर हैं, 1, 2, तो हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे, 2/4 स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 1/√2, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सपोज 960 और कॉस 60 डिग्री, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन 60 और कॉस 60, तो साइन 60 के लिए हम लोग क्या देखते हैं, साइन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इसके राइट में 1, 2, 3, इसके राइट में कितने फिंगर है, 1, 2, 3 फिंगर है, तो हम लोग क्या हो जाएगा सिंपल 3/4 का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। और कॉस के लिए हम लोग देखते हैं तो कॉस के, इस कॉस के लिए 60 डिग्री के लिए इसके लेफ्ट में कितने फिंगर है, 1 फिंगर है, तो 1/4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1/2, ठीक है, कितना इजी वे में हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अगर और हम लोग देखते हैं 90 डिग्री के लिए, ठीक है, साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, तो साइन 90 के लिए हम लोग क्या देखते हैं, साइन के 90 डिग्री के लिए इसके राइट में 1, 2, 3, 4 है, तो 4/4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1। कॉस के लिए हम लोग देखते हैं इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में कितना है 0, तो 0/4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 0, एकदम सिंपल बन जाएगा, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप अपना फिंगर देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या देखते हैं, इधर हम लोग देख लेते हैं साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, ठीक है, तो क्या देखते हैं साइन के लिए इसके राइट में कितने हैं, 1 फिंगर, तो यहाँ पे सिंपल 1/4 का स्क्वायर रूट, तो 1/2। कॉस 30 के लिए हम लोग क्या देखते हैं, 1, 2, 3 फिंगर है, तो मेरा 3/4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, तो मेरा क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो कितना इजी वे में हम लोग ये सारे वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर वैल्यू को याद रखते हैं तो हम जब भी अपना फिंगर देखेंगे हमारा वैल्यू, हमको अपना साइन का वैल्यू मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग टैन कॉट और कॉसेक और सेक की बात करें तो यहीं से हम लोग का सारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है।
थीटा इक्वल टू 1 by sin थीटा। तो इस तरह से सारे फंक्शंस को हम लोग सिंपल एक हैंड से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।